हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मैगज़ीन की बात करेंगे और ये मैगज़ीन समझ लीजिए कि एक तरह से करंट अफेयर की रामबाण है। ठीक है, स्पेशली यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो हमेशा कन्फ्यूज़न में होते हैं कि करंट अफेयर किस तरीके से तैयार किया जाए। ठीक है, ख़ासकर हिंदी बेल्ट, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार वालों के लिए जो सोचते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें। ठीक है, कोचिंग वगैरह के नोट्स होते हैं तो ज़्यादातर इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, लेकिन अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की बात की जाए, पीसीएस और यूपीएससी के लिए, तो बहुत अच्छा मैगज़ीन माना जाता है ये। हम बात कर रहे हैं दोस्तों परीक्षा मंथन की। परीक्षा मंथन ये ऐसी मैगज़ीन है दोस्तों जो फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल, मतलब स्पेशली जो है इसमें ख़ास तौर पर कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों तरह से ध्यान में रखकर इसको बनाया जाता है। और इसका लाइन बाय लाइन इतना इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों कि अक्सर डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, यूपी जो पीसीएस होता है उसके लिए समझिए कि ये जो बुक है एक तरह से करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र है। तो दोस्तों, आज हम इसी बुक की बात करेंगे, मैगज़ीन की बात करेंगे। दोस्तों, ये मैगज़ीन जो है ये 3-3 महीने पे आता है और साल के आखिर में जो है इसका वार्षिकांक आता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है और क्या वजह है कि इसकी इतनी डिमांड है और लोग क्यों इसको प्रिफर करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, और जीएस के लिए हम पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज चला रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ये सब ख़त्म हो चुका है। आप जाके डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, और बाकी प्लेलिस्ट में जाके जो है आप देख सकते हैं। और उसके जो PDF है दोस्तों, अगर उसको आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा। और मैं सोच रहा था कि क्वालिटी लेक्चर जो चल रहा है उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की भी तैयारी की जाए, क्योंकि परीक्षा मंथन ये एक ऐसी मैगज़ीन है जिसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसमें जो है कंसेप्चुअल और फैक्चुअल में तरीके से इसको बनाया गया, लिखा गया है। और क्योंकि लक्ष्य 2020 का जो है जनवरी से लेकर मई तक का जो है इसका वो सीरीज़ आ गया है, इसमें कवर किया है जनवरी से लेकर मई तक जितने भी करंट अफेयर्स रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, चाहे लोकल इश्यूज़ हों, सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर सीरीज परीक्षा मंथन लक्ष्य 2020। तो दोस्तों, आज फिलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे कि इतनी क्यों इम्पोर्टेंस है और इसके कंटेंट्स क्या हैं और अक्सर क्वेश्चन यहाँ से क्यों पूछा जाता है। ठीक है, और अब अगर पसंद आएगा आपको ये वीडियोस और आपको लगता है कि ये सीरीज़ चलनी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं परीक्षा मंथन मैगज़ीन की। परीक्षा मंथन मैगज़ीन दोस्तों, इसमें ख़ास तौर पे ये जो इसका कवर पेज है लक्ष्य 2020 करंट अफेयर 3, मतलब 3-3 महीने पे जो है ये इशू किया जाता है, जारी होता है, और साल के आखिर में पूरे साल का जो है आ जाता है। तो आगे चल के देखते हैं इसमें इसे कंटेंट क्या क्या है जिस पे हम लोग देखेंगे आगे चल के। देखिए दोस्तों, इसका जो कंटेंट है राष्ट्रीय मुद्दे, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए राष्ट्रीय मुद्दे हो गया पहला, दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, तीसरा हो गया विधि एवं न्याय, लॉ एंड जस्टिस की बात कर रहा है। मतलब दोस्तों, इसमें सीक्वेंस वाइज में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब देखिए, स्टार्टिंग अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात की जाए तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ से लेके जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वंदे भारत से लेकर वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन समुद्र सेतु, भारत और चीन के बीच झड़प, ये अभी हाल फिलहाल का न्यूज़ है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कवर किया। और फिर यहाँ तक दोस्तों, मतलब जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस से लेके भाषा जनगणना, उत्तर प्रदेश में श्रम कानून से संबंधित, मतलब हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, सेम चीज़ इंटरनेशनल मुद्दे में भी है, जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे,
उसमें भी पूरा कवर किया। ये मतलब समझ लीजिए कि दोस्तों यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अच्छा खासा कुछ छूटता नहीं है, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो है इसको प्रेजेंट किया है। विधि एंड न्याय की बात की जाए, ठीक है दोस्तों, यही चीज़ मतलब इसे बताना चाहिए चाह रहा हूँ कि हर चीज़ को इसने सेगमेंट करके और बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जैसे राष्ट्रीय मुद्दे पहला हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दे हो गया, दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, तीसरा विधि न्याय हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलिए, फिर देखेंगे, देखिए इकोनॉमिक सर्वे कितना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे देखिए अभी आया था 19-20 का दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो मेन मेन पॉइंट थे, जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वो चीज़ें इसमें मेंशन किया गया है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं जूम करके, आर्थिक समीक्षा 2019-20 की मुख्य बातें, ठीक है। ये यहाँ से दोस्तों लेके यहाँ तक पूरा है ये कंटेंट्स इसका जो है, इकोनॉमिक सर्वे का जो मेन मेन पॉइंट है इन्होंने एनालिसिस करके उसको जो है इसमें डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर दोस्तों बजट आया था, केंद्रीय बजट 2020-21, इसकी क्या ख़ास बातें रही हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो चीज़ें इसमें मेंशन कर दिया है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अक्सर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सेगमेंट होता है उससे कहीं ना कहीं करंट अफेयर ही पूछते हैं, अपडेट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आएंगे फिर दोस्तों देखिए इन्वायरमेंट के अंदर जो भी अपडेट रहा है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो चीज़ें इसमें मेंशन कर दिया है। फिर COVID-19 का केस मसले चल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, पिछले 3-4 महीने से भारत का पूरा विश्व जो है इससे जो है जूझ रहा है, तो उससे क्या अपडेट रहे हैं, ठीक है, क्या क्या वैक्सीन्स है, वैक्सीन जो है इसके अंतर्गत बनाई गई और यूज़ की गई, प्रधानमंत्री क्या नीति रही है, क्या सरकार संस्कृति, ठीक है, उसके COVID-19 पर की श्रद्धावलिया, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीज़ें कवर किया। आर्ट एंड कल्चर दोस्तों, ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं, तो दोस्तों ये है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे तो ठीक है, यही है जो मिला जुला के यही है। इसके बाद दोस्तों देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, योजनाएँ, एक सेकेंड ये देखिए जूम करते हैं, ये देखिए इसका दोस्तों योजनाएँ दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, गवर्नमेंट स्कीम अक्सर बन जाता है क्वेश्चन यहाँ से, तो ये हो गया। दूसरा जो डिफेंस विफेंस की बात होती है कि कौन कौन सा वेपन्स, कौन कौन सा ये सब चीज़ें जो है यूज़ किया गया, या कहाँ क्या बना, किसने बनाया, कौन सा संस्था ने बनाया, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर अलग अलग करके बाकायदा इसने जो है सेगमेंट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सूचकांक जो होता है अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, या फिर आप ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो निकालते, संस्थाएं निकालती रहती है सूचकांक वगैरह, उसको मेंशन किया है बाकायदा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट, चाहे नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय है चाहे अंतर्राष्ट्रीय, ख़ास तौर पर जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साथ साथ राष्ट्रीय, महिलाएँ, स्थल कौन कौन से चर्चित में हैं आजकल जो फेमस रहे हैं, मतलब जो न्यूज़ में रहे, समाचार में रहे हैं, वो चीज़ें जो है कवर किया है, ठीक है। चर्चित स्थल, महत्वपूर्ण दिवस, बहुत अक्सर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अवार्ड दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवार्ड कौन कौन सा है, स्पोर्ट्स, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दो क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ये सबसे अच्छी चीज़ दे दिया है लास्ट में, इसमें दिया दोस्तों वन लाइनर, इसमें दे दिया दोस्तों वन लाइनर दे दिया इसमें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि जितनी भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे कवर कर लिया गया है। तो मिला जुला के यही है दोस्तों कि मेरे हिसाब से परीक्षा वाणी की जो परीक्षा मंथन ये मैगजीन है करंट अफेयर के लिए, ये समझ लीजिए कि एकमात्र ऐसा सोर्स है जहाँ पे दूसरी मैगजीन्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कहीं और से आपको करंट अफेयर के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आप अखबार पढ़ रहे हैं ठीक, अच्छी बात है, लेकिन इसको बहुत कंसाइज करके, बहुत अच्छे तरीके से समराइज करके, इसको बेहतरीन तरीके से एनालाइज करके इसको बनाया गया है। तो दोस्तों ये रहा मैगजीन्स का रिव्यूज़, क्योंकि हम इसके ऊपर लेक्चर शुरू करने वाले हैं, तो हमने कहा पहले इसके बारे में आपको बता दिया जाए।
कैसा रहा दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट में दीजिए कि हम लेक्चर शुरू करें या ना करें, आप बताइए। वैसे PCS और IAS के लिए बहुत ही अच्छी मैगजीन मानी जाती है ये, ठीक है, स्पेशली PCS के लिए, UP PCS के लिए। तो आप लोग अपना कमेंट करिए। और दोस्तों, इसके पहले के जो प्रीवियस लेक्चर रहे हैं उसका PDF वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो लेक्चर्स रहे हैं, पॉलिटी के लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो सब पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन रहो, जो भी मैं वीडियोस आपको समय समय पर अपडेट कर रहा हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो भी इम्पोर्टेंट हम वीडियोस आपको बनाएंगे, जो सीरीज़ चल रही है पॉलिटी की, तो अगले वीडियोस कंटिन्यू तो आ ही रहे हैं, लेकिन कहीं अगर एक घंटा, दो घंटा, एक दिन, दो दिन गैप हो गया, तो आपको समय पता चल जाए कि हाँ, ये वीडियोस आए हैं, तो आप जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। और ये करंट अफेयर की सीरीज़ हम शुरू करने ही वाले हैं, देखिए आज से शुरू कर देंगे या कल से शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपकी कमेंट की ज़रूरत है दोस्तों। तो आप जल्द से जल्द कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए चैनल को। थैंक यू दोस्तों।